जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों कि जो चिकित्सा विभाग की जो भर्ती थी, ANM, GNM और CHO के जो पद थे ना दोस्तों, उनको बढ़ा दिया गया है। उन पदों को बढ़ा दिया गया है और उसी की ताजा खबर हम देखने वाले हैं। क्या खबर है, क्या नहीं है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना वीडियो के नीचे, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये तुम्हारे जो संविदा नर्स के पद थे, GNM, ANM, CHO, ये सारे जो पद थे, इन पदों को बढ़ा दिया गया है। राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2024, ANM, GNM, CHO के पद जो थे, अब कितने पद हो गए साहब टोटल? अब हो गए हैं 9,890 पद। जी हाँ साथियों, 9,890 पद हो चुके हैं, बढ़ा दिए गए हैं। और ये जो भर्ती थी तुम्हारी, ये 2023 वाली है। 2023 में इसके फॉर्म भरे गए थे, अब इनका एग्जाम होगा भाई। अब क्या होगा, इनमें एग्जाम होना बाकी है, अब एग्जाम होगा इनका। और अब ये भी एक कंफ्यूजन चल रहा है कि साहब इसके फॉर्म रीओपन होंगे क्या, जब पद भट गए हैं तो क्या फॉर्म दोबारा से भरवाए जाएंगे? कुछ बच रहे हों जो भी भर दें क्या? ऐसा तब होता जब ये पद 50% से ज़्यादा बढ़ाए जाते, लेकिन अब ये पद थोड़ा सा कम रह गए हैं, 50% फुल नहीं बढ़ाए गए हैं। इस वजह से अब रीओपन होने की जो चर्चा है वो कम है दोस्तों, ठीक है, संभावना भी कम लग रही है। और इसमें एक न्यूज और भी आई है कि चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी से चर्चा हुई है, भास्कर ने भी चर्चा की है कि भाई इसमें पद बढ़ चुके हैं तो क्या फॉर्म दोबारा से भरवाए जाएंगे, रीओपन करवाए जाएंगे क्या, जिन्होंने नहीं भरा वो भी भर सकते हैं क्या? तब इन्होंने कहा है कि 50% पद बढ़ते तब ये नियम लागू होता। ऐसा नियम है कि जब भी 50% पद बढ़ते हैं तब ये इसमें रीओपन की चर्चा होती, लेकिन अब 50% से कम बढ़ाए गए हैं पद, इसलिए फॉरम रीओपन नहीं होंगे। जितने पहले फॉरम भरे जा चुके हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है साथियों। अच्छा, अब बात करते हैं पहले कितने पद थे, बढ़ा कितने दिए हैं, अब टोटल कितने पद हो गए हैं। संविदा नर्स ANM में पहले 1588 पद थे, अब इसमें 750 पद और बढ़ा दिए हैं दोस्तों। अब देखो, अगर 50% पद बढ़ते हैं तब रीओपन होता है फॉरम। ये 1500 है, 1588, जिसका आधा कितना हो गया, 1500 का आधा 750, अभी तो 88 और बच रहा है, इसका तो बढ़ा ही नहीं है, तो ये भी रीओपन नहीं हो सकता। अब टोटल हो गए हैं 2338 पद ANM में, जो कि संविदा नर्स के हैं। अगला है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता GNM, इसके पहले कितने थे साहब, 2058 पद थे, अब इस 2000 का आधा कितना होगा 1000, और 58 और बच गए अभी, तो ये भी 50% नहीं बढ़े हैं, तो इसके 1000 पद बढ़े हैं, अब हो गए 3058। पहले 2058 थे पद, 1000 और बढ़ा दिया, अब 3058 पद कर दिया, ठीक है साहब। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO, इसके पहले 3531 पद थे, अब कितने हो गए साहब, अब 963 कर दिए और बढ़ा के, अब टोटल हो गए 4494 पद, ठीक है जी। अब देखो 3500 हैं, 963 ही बढ़े हैं, अब बताओ, ठीक है ना, तो आधा नहीं हुआ है, किसी भी पद में आधा नहीं हुआ है। 3531 पहले थे, फिर 963 और बढ़ा दिया, 4494 पद टोटल CHO के हो गए। इस प्रकार से मिलाकर के 9,890 पद हो चुके हैं, अब इन पदों पे परीक्षा होनी बाकी है। अब होगी इनकी परीक्षा साहब, और परीक्षा कब होगी वो भी देखो। ANM और GNM की परीक्षा 3 फरवरी 2024 को होगी और CHO की परीक्षा 3 मार्च 2024 को होगी, इसका ये एग्जाम होना ही होना है। इसमें
3 फरवरी 2024 से एनएमजीएनएम वालों तैयार रहो, और सीएचओ वालों तुम 3 मार्च 2024 के लिए तैयार रहो, कड़ा जूड़ हो जाओ। इसका अभी कोई प्रूफ नहीं आया है, प्रमाण नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसका पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे एग्जाम होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा और बोर्ड द्वारा जल्द ही संशोधन विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी कि भाई इतने इतने पद बढ़े हैं। अभी ये जो पद बढ़े हैं ये आपको खबर में मिल रहा है, अखबारों में मिल रहा है, इसकी कोई विज्ञप्ति सूचना अभी जारी नहीं हुई है, वो भी जल्द ही बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी और फिर उसमें बाकायदा लिखा आ जाएगा कि भाई इतने इतने पद बढ़ाए गए हैं और टोटल इतने पद हो चुके हैं, 9890 पद हो चुके हैं। तो जो भी भाई बहन इसमें फॉर्म भरते हैं, भर चुके हैं, वो अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहें। एएनएम जीएनएम वालों की फरवरी में है और भैया सीएचओ वालों की मार्च में एग्जाम है, तो आप अपनी तैयारी को और भी बेस्ट करिए, शानदार करिए, और इस भ्रम में मत रह जाना कि परीक्षा अभी नहीं होगी, बहुत सारा समय है। नहीं, आप तो अपनी तैयारी पर ध्यान दो, परीक्षा अगले ही मंथ में होने वाली है, आप इस चीज की चिंता छोड़ दो कि साहब परीक्षा बहुत लेट होगी। नहीं, लेट नहीं होगी, तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया है, तुरंत प्रभाव से ये तुम्हारी भर्ती संपूर्ण करवाई जाएगी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।